अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसानी से घर पे चिकन के सीख कबाब कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियो फ्री में देखने मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। तो ये सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन। तो हमें बोनलेस चिकन लेना है, आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हो या चिकन थाई का बोनलेस भी ले सकते हो। फिर उसके बाद कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में चाहिए धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो फिर एक चॉपर ले लो या आप ये मिक्सी में भी कर सकते हो। फिर उसमें जो भी चिकन लिया है वो आप चिकन डाल दो। अगर आप चिकन थाई का कीमा लोगे ना तो कबाब और भी मॉइस्ट और डिलीशियस बनेंगे। और फिर उसमें चिकन और जो हमने सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वो सारे डाल दो। फिर इसके बाद हमें डालना है 3 टेबलस्पून भर के तली हुई प्याज, ठीक है, कैरामलाइज्ड ऑनियंस, ये ज़रूर डालना, इसे स्किप मत करना। फिर उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी। फिर उसके बाद हम डालेंगे 2 टीस्पून गरम मसाला, या आप चिकन मटन मसाला भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद 2 टीस्पून जीरा, ठीक है, यानी कि क्यूमिन सीड्स। फिर उसके बाद हम डालेंगे 2 टीस्पून धनिया का पाउडर और फिर स्वाद के लिए नमक। तो नमक हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लो, ठीक है, इन सब को अच्छे से ब्लेंड कर लो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चॉपर यूज़ किया है बट आप ये नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो, जो छोटा वाला मिक्सी आता है उसमें। तो थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स, ठीक है, इससे बहुत ही अच्छी बाइंड आएगी। तो यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल दो। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो फ्रेश ब्रेड भी आप 2 से 3 ब्रेड फ्रेश तोड़ के भी डाल सकते हो। फिर दोबारा से इसे हमें अच्छे से चलाना है और हमें एकदम फाइन करना है, ठीक है, ये जो हम कबाब का मिक्सचर कर रहे हैं ना उसे एकदम फाइन करना है हमें। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून असली घी, ठीक है, यानी कि देसी घी। तो इससे इसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट आ जाएगा और हमारे कबाब बहुत ही मॉइस्ट बनेंगे। तो देसी घी होता है ना वो आप 2 टीस्पून यूज़ कर लीजिए और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लो। तो देखिए अभी हमारा कबाब का मिक्सचर कैसे हो गया है। तो ऐसे इसी तरह से हमें एकदम फाइन करना है, देखो, और कितना सूखा और फाइन होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर कंटेंट वाले जो आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो अच्छे से धो के उनके पानी सूखा के लेना। तो फिर अभी चलते हैं कबाब बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे वुडन स्क्यूअर्स लिए हैं, आप वुडन स्क्यूअर की जगह कोई भी पेंसिल या कोई भी वुडन स्पून होता है ना तो आप कुछ भी ले सकते हो सीख बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे वुडन स्क्यूअर ले रही हूँ। तो हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लो और मैं थोड़ा सा ऑयल स्क्यूअर पर भी लगा रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन ले लो जितना आपको कबाब बनाना है और उसको पहले तो अच्छे से राउंड कर लो और फिर उसको वुडन स्कीवर पे रख के हाथों से धीरे धीरे सीख का शेप दे दीजिए। अगर आपको इसके सीख कबाब नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मल कबाब भी, गोल गोल कबाब इसके बना के भी फ्राई करके खा सकते हो। अगर आपके पास सीख नहीं है, आपको वुडन स्कीवर यूज़ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कबाब बना के खा लो। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीख कबाब बना के रेडी कर लिए और थोड़े से मैंने इसको स्कीवर पर भी रखा है। तो आप ऐसे स्कीवर पर भी रख सकते हो या स्कीवर निकाल के भी आप वैसे इसके कबाब बना सकते हो। और फ्राई करने से पहले ना इसको मिनिमम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना ताकि ये अपने शेप होल्ड करे और टूटे ना। फिर जो सीख कबाब है ना उसको हमेशा शैलो फ्राई किया जाता है। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टीस्पून बटर, ठीक है, बटर ऑप्शनल है, आप बटर स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप बटर में इसको फ्राई करो, ठीक है। फिर जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा आप एक एक करके सारे सीख कबाब आप उसमें रख दो और हीट को मीडियम लो रखना, ठीक है। सीख कबाब को हमेशा कम तेल में और लो फ्लेम पे फ्राई किया जाता है, इसको हाई फ्लेम पे या बहुत सारे ऑयल में फ्राई मत करना। तो मीडियम लो हीट रखना और सीख कबाब को धीरे धीरे करके अच्छे से फ्राई करना ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर से अच्छे से पक जाए। और जो आप एक ब्रश भी हैंडी रखना और एक एक साइड पे एक एक मिनट पहले आप फ्राई कर लो और इनको पलटते जाओ। तो अलटते पलटते हर एक साइड से हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और हमारी चिकन जो है अच्छे से पक नहीं जाती।
और अपना एक ब्रश भी हैंडी रखना है, ताकि जो तेल और जो बटर है ना वो आप ब्रश से ऊपर ग्रीस करते जाओ, तो हमारे कबाब जो है ना वो बहुत ही जूसी बनते हैं और ड्राई नहीं होते। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना, ये टिप आप लोग याद रखना। तो धीरे धीरे हमें इसे आराम से 8 से 9 मिनट तक तो पकाना है, ताकि हमारे कबाब्स अच्छे से पक जाए। तो धीरे धीरे आप इसको घुमाते रहो और ब्रश से इसके ऊपर तेल और बटर लगाते रहो, और बस हमारे कबाब्स रेडी हो गए। तो धीरे से इसे निकाल लो। और सिमिलरली जो बाकी कबाब्स बना के रखे थे वो भी हमें ऐसे ही फ्राई करने। तो गाइस ये जो कबाब्स है ना बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और इसमें जो कैरामलाइज्ड ऑनियन डाला था ना, उसकी वजह से हमें कोई भी कोल या आप इसको धुएं देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको ऐसे ही ट्राई करो, इसमें एकदम सीख कबाब का टेस्ट ज़रूर आएगा। तो बिना कोई झंझट के घर पे आसानी से सीख कबाब आप बना सकते हो, ठीक है। आपको कोयला देने की, इसमें तंदूर वगैरह की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारे सीख कबाब बन के बिल्कुल रेडी है। आप इनको रोटी के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हो, या आप ऐसे ही इनको पुदीने की चटनी के साथ इनका लुत्फ उठा सकते हो। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं गाइस और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी बाकी रेसिपीज़ भी ज़रूर चेकआउट करना, सब एक से बढ़कर एक है। और हाँ, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और फ्री में देखने मिले। गाइस वीडियो लाइक करना मत भूलना। चलिए फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।